जय हिंद, स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पर। बारिश का मौसम बृहद हरियाली वाला और धरती की प्यास बुझाने वाला होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं आज का वार्तालाप शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए पहला न्यूज ये है कि बिहार बोर्ड में ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट, एडमिशन लेने वाले हैं, उनका एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। जो भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म भरना चाहते हैं उनका डेट शुरू हो गया है, वो अपन जा करके ऑनलाइन अपना करा सकते हैं। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लें या साइंस वाले सब्जेक्ट, आर्ट्स वाले जो कि कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे एसएससी बैंक जो है उस वो आराम से आर्ट्स लें और आगे अपना पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर जीके जीएस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसका महत्व अच्छा है। और बुक्स भी अवेलेबल हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के, साइंस बैकग्राउंड वाले बुक्स जल्दी मिलने कठिन होते हैं, उसका गेस्ट पेपर ये सब भी मिलना बहुत कठिन होता है। तो अब आया बात, जो भी लड़के, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चियाँ जो मैट्रिक पास की हैं उनका 11th में एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन मतलब शुरू होने की प्रक्रिया में है, 19 तारीख से ऑनलाइन होना शुरू होगा। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये बताया गया है कि 19 तारीख से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो साइंस लेना चाहते हैं तो देखिए, आपको परिस्थिति के अनुसार अपने चीज़ों को चुनना ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता है कि आज जॉब सेक्टर कितना जॉब सेक्टर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आज इंजीनियरिंग का क्रेज नहीं है, क्योंकि जो भी घर में देखो बेरोजगार इंजीनियर बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई भी एक कोर्स कर लेता है, अगर वो बायोलॉजी लेता है जो साइंस वाले जो बैकग्राउंड वाले हैं, तो उनका जाहिर तौर पे एक अच्छा हम कहें कि कोर्स की तरह हो जाता है और फॉरम और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नया सिलेबस के अनुसार आप एक्स्ट्रा में मैथ भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, आप मेन में आप बायोलॉजी लेने का प्रयास करें, क्योंकि ये आसान होता है, प्रैक्टिकल में आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने की संभावना पूरी रहती है। और वहीं पे मैथ में हम इधर पिछले कुछ सालों से देखे हैं कि प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। अब जाहिर तौर पर ये बिहार बोर्ड की गलती है या स्टूडेंट्स की गलती है या टीचर्स की गलती है ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो सच्चाई है वो तो है कि मैथ का परफॉर्मेंस इधर कुछ लूज हुआ है। अब लेकिन जो जेईई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए नहीं, अब जाहिर तौर पर जो एयरफोर्स नेवी आर्मी के लिए जो लड़के तैयारी करना चाहिए वो मेन में बायो रखें और एक्स्ट्रा में अपना मैथ लेकर के तैयारी करें। ये सभी के लिए, जिनको मन लगे या ना लगे, आप अगल बगल जो भी, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, रोड पर घूमना नहीं चाहते हैं, इधर उधर नहीं दौड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको बता रहा हूँ वैसे भी शरीर के विषय में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आप आँख मूंद करके चुपचाप बायोलॉजी लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनिए और एक्स्ट्रा में आप ले सकते हैं मैथ को, और मैथ के लिए भी आप प्रिपरेशन अच्छे से ही रखिए। और ये आप मत कहिए कि ये है नहीं है वो, आपको सब चीज़ पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है और इस कंपटीशन के युग में वही सफल होगा जिसका सब चीज़ मजबूत हो। आप शुरू से ही, क्योंकि अभी 6 महीना कोविड का काल भी चल रहा है और वैक्सीनेशन के प्रति कुछ नहीं कहा जा सकता है, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास के जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उसका पूरा लाभ उठाइए और जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो जल्दी शुरू करेगा वो जाहिर तौर पर लक्ष्य को जल्दी पाएगा और जो जितना लेट शुरू करेगा उसको लक्ष्य को पाने में उतना ही लेट होगा। तो मेरा सभी से यही दरख्वास्त है कि आप जल्दी से 19 तारीख को जाइए अपने जो भी कॉलेज हैं सरकारी कॉलेज, लड़कियों के यहाँ तक जहाँ तक उम्मीद है कि फॉर्म का पैसा लगेगा, इसके बाद फ्री में एडमिशन होता है सरकारी कॉलेज में, बिहार बोर्ड का ऐसा मतलब मापदंड है, और लड़कों का कुछ लगेगा जो कि एडमिशन फी होता है वो, और इंटर पास करने वाली सारी लड़कियों को, चाहे वो सिर्फ पास हो कोई भी जाति की हो, उनको पास करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए लड़कियों को आप पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज के डेट में कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं बेरोजगार बैठूं, किसी के हाथ आगे हाथ पसारने से अच्छा है कि आप कुछ काम कीजिए और अपने लक्ष्य को पाइए। आप अपने से क्या खुद से किए हैं, आपके परिवार वालों ने क्या किए उस पर मैटर नहीं करता है, आप खुद से जीवन में क्या किए हैं ये मैटर करता है। तो मेरा सभी स्टूडेंट को वही सलाह है कि जो साइंस लेना चाहते हैं वो अपना मेन में बायो रखें, एक्स्ट्रा में मैथ रखें, क्योंकि बिल्कुल आसान हो जाएगा, इससे आपको तैयारी में भरपूर मदद मिलेगा और आपका रिजल्ट भी गड़बड़ाने का चांस नहीं है। मैंने देखा इधर पिछले 2-4 सालों के अनुभव से कि जो भी मैथ लिए हैं उनका मतलब 50-50 का आंकड़ा रहा है और बायो वाला का आंकड़ा करीब 90-10 का है, तो हम क्यों ना 90 को चुने
और मेरा आप सभी से यही दरख्वास्त है कि आप मेरे में बायो को रखिए, एक्स्ट्रा में मैथ को रखिए, लैंग्वेज को के भी पूरी तैयारी कीजिए और फिजिक्स केमिस्ट्री में कोशिश कीजिए कि हम अच्छे तरह से अपनी तैयारी को अंजाम दें। बीपीएससी 67 में करीब 1000 पोस्ट आने वाले हैं और जाहिर तौर पर 15 जुलाई जो कि बीएड का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, तो वो भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और बिहार में और पूरे देश में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एग्ज़ाम अब शुरू होने की स्थिति में है। तो अपनी तैयारी को स्टूडेंट धार देते रहिए, बाकी सब यथावत न्यूज़ है। लेकिन हाँ, अब जो रेलवे के परीक्षार्थी हैं उनका भी उम्मीद है कि अगस्त के बाद से अगस्त तक NTPC 7th फेज का एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। अभी इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसके बाद फिर बिहार बोर्ड बिहार से रिलेटेड जो SI का एग्ज़ाम है वो होगा, DPRO का एग्ज़ाम होगा, CDPO का एग्ज़ाम होगा, फिर जो फायरमैन दरोगा वाले हैं बिहार पुलिस के वो भी एग्ज़ाम होगा। नई भर्ती आने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि पिछले ही एग्ज़ाम हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। फिर बिहार SSC से रिलेटेड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो कि बम्पर बहाली आने वाली है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में 30,000 से ऊपर अगली साल बहाली आने वाली है। तो यही कारण है कि मैं आप सभी से बोल रहा था कि जो भी स्टूडेंट है आगे देख कोविड का काल आप देख चुके हैं और ऐसा चीज़ कीजिए जिससे मुझे तुरंत से तुरंत रोज़गार प्राप्त हो, क्योंकि आप इस कोविड की स्थिति में देख चुके हैं कि सरकारी और एक अस्थायी जॉब का कितना ज़रूरत है। ठीक है, मेरा सभी से यही दरख्वास्त है कि आप इन सारी बातों को मानेंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, आगे की वीडियो और आगे की बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।